नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स आपके सामने लेके आया हूं। ये जो मैक्सिमम डॉक्ट्रिन है ये अमेरिकन प्रेजिडेंट्स ने दी है। तो अगर आपको अमेरिकन डिप्लोमेसी को, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को समझना है तो आपको इन डॉक्ट्रिन का पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन डॉक्ट्रिन को याद कर लेते हो और आप इन डॉक्ट्रिन को अच्छे से समझ लेते हो, आधे से ज़्यादा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आप समझ जाओगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन इन डॉक्ट्रिन से आते हैं। डॉक्ट्रिन जैसे कि मुनरो डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, आयरन कर्टेन, ठीक है, निक्सन डॉक्ट्रिन, कार्टर डॉक्ट्रिन, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रेजिडेंट हैं और उनके टाइम में जो इवेंट हुए हैं, उनकी जो डिप्लोमेसी रही है या फॉरेन पॉलिसी रही है, उससे रिलेटेड डॉक्ट्रिन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत वास्ट इनके ऊपर लिटरेचर है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन के ऊपर ही मेरे पास दो किताबें पड़ी है। तो मतलब मैं बहुत ही शॉर्ट में, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको याद कर सकें और कभी भूलें ना। दोस्तों, सबसे पहली हमारे पास डॉक्ट्रिन है मुनरो डॉक्ट्रिन। दोस्तों, मुनरो विदेश नीति के या डिप्लोमेसी के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे और इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन दी जिसे बोला जाता है नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस की ये डॉक्ट्रिन इन्होंने 1823 में दी और ये डॉक्ट्रिन लगभग 100 साल, 1917 तक ये चली। तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी पकड़ थी इनकी विदेश नीति में। अब नॉन इंटरफेरेंस की क्या पॉलिसी थी मुनरो डॉक्ट्रिन में? मुनरो बोलते थे कि अमेरिका किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं करेगा। अगर कोई देश लड़ाई करता है या वॉर करता है तो अमेरिका उससे बिल्कुल सेपरेट रहेगा, दूर रहेगा, किसी के काम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अमेरिका नहीं करता है। ठीक है, लेकिन 1917 में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिकन जो शिप थी, ठीक है, अमेरिकन शिप के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए थे अमेरिका के, जिसके कारण अमेरिका युद्ध में कूद गया और वहां पे ये मुनरो डॉक्ट्रिन कहीं ना कहीं फेल कर गई और ये मुनरो डॉक्ट्रिन 1917 में खत्म होगी। लेकिन ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेकंड हमारी डॉक्ट्रिन है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। दोस्तों, ट्रूमैन 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ये प्रेसिडेंट थे और 1953 तक ये प्रेसिडेंट रहे। अब ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को बोला जाता है कंटेनमेंट थ्योरी। ठीक है, और कंटेनमेंट थ्योरी को इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्शल प्लान भी चालू किया था। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंटेनमेंट की नीति क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि 1945 के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और दो ब्लॉक थे, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि यूएसएसआर, जो कि कम्युनिस्ट रिजीम से संबंधित था, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा था। ठीक है, जितने भी उसके सराउंडिंग में छोटी छोटी कंट्रियां थी उसको अपने कब्जे में कर रहा था या फिर उसको बहला फुसला के अपने साथ मिला रहा था। तो अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि ये डोमिनो इफेक्ट कहीं सामने ना आ जाए। डोमिनो इफेक्ट का क्या होता है कि अगर एक डोमिनो गिरता है तो सारे डोमिनो गिरते हैं। तो इनको लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि जितनी भी कंट्रियां हमारे सराउंडिंग में है वो कम्युनिस्ट बन जाए। अगर वो कम्युनिस्ट बन गई तो जो कैपिटलिज्म है वो खतरे में आ सकता है। तो ट्रूमैन ने डॉक्ट्रिन दी जिसे बोला जाता है कंटेनमेंट थ्योरी, अर्थात यूएसएसआर को रोकना। यूएसएसआर के द्वारा जो कम्युनिज्म का या कम्युनिस्ट रिजिम का जो प्रोपोगेंडा तैयार किया जा रहा है उसको रोकने को ही कंटेनमेंट थ्योरी कहा जाता है। और मार्शल प्लान इसके अंदर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। मार्शल प्लान क्या था? जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनको अमेरिका सहायता दे रहा था और सहायता बिना किसी शर्त के। ठीक है, तो ये था मार्शल प्लान।
थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको सिर्फ समझिए, ये है आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन क्या है? फुल्टन जो चर्चिल थे, उन्होंने स्पीच दी थी 1945 में, उसमें उन्होंने आयरन कर्टेन की बात की थी। अब आपको पता है कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और साम्यवादी यूएसएसआर अपने कब्जे में क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा था, और जहां तक पूर्वी यूरोप में यूएसएसआर ने अपने टेरिटरी को फैला दिया था, उस टेरिटरी को इन्होंने आयरन कर्टेन की संज्ञा दी कि मतलब जहां तक यूएसएसआर पहुंच चुका है वहां पे आयरन कर्टेन खड़ा कर दो, लोहे का एक ऐसा पर्दा खड़ा कर दो कि उससे आगे यूएसएसआर बढ़ ही ना पाए। ठीक है, तो ये है आयरन कर्टेन की थ्योरी। अगली महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है निक्सन डॉक्ट्रिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड ऐसे प्रेसिडेंट है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट है जिन्होंने कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, और जो डिटेंटे का जो पीरियड आया था देतांत, जिसमें कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं शांत हो गया था, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था उसमें। तो इन्होंने डॉक्ट्रिन दी जिसे बोला जाता है लिंकेज स्ट्रेटजी एंड न्यूक्लियर एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखो 1969 में निक्सन चाइना जाते हैं, ठीक है, और चाइना के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करते हैं। अब आपको पता है चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी, अमेरिका पूंजीवादी थी, तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर तो चल रहा था, लेकिन डिप्लोमेटिक संबंध इन्होंने स्थापित कर लिए चाइना के साथ, एक कम्युनिस्ट देश के साथ। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम की कम्युनिस्ट देश के साथ कोई संपर्क स्थापित करें। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो देश यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं, जो देश यूएसए को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को जो देश सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको एक न्यूक्लियर छतरी प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियर छाता जिसे बोलते हैं। ठीक है, कि अगर कोई देश आपके ऊपर आक्रमण करता है तो अमेरिका आपकी सहायता करेगा, भले ही उसे न्यूक्लियर बम क्यों ना गिराना पड़े। ठीक है, मतलब जो यूएसए के साथ है उसको वो न्यूक्लियर सुरक्षा प्रदान करेगा, ये बात भी इसमें कही गई थी, जिसके कारण बहुत सारे देश अमेरिका की ओर उनका झुकाव हुआ था। तो ये था निक्सेनियन या निक्सन डॉक्ट्रिन। अगली इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है कार्टर डॉक्ट्रिन। आपको पता है जिमी कार्टर 1977 से लेके 1981 तक प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, और 1979 में क्या होता है, 1979 में यूएसएसआर ने आक्रमण कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, अफगानिस्तान इन्वेजन 1979 में शुरू हुआ था, जिसके कारण अमेरिका पूरी तरीके से बौखला गया था कि कहीं यूएसएसआर एशिया के अंदर अपना कब्जा स्थापित ना कर दे। और एशिया के अंदर क्या है, गल्फ। ठीक है, गल्फ की खाड़ी जो है, ठीक है, बे ऑफ गल्फ जिसे बोला जाता है, उसमें अमेरिका का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट छिपा था, जिसमें कि बहुत सारे तेल के भंडार है। उसके लिए अमेरिका को लगा कि ये कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया तो ये सारे के सारे तेल भंडार हमारे हाथ से जा सकते हैं। तो कार्टर, जिमी कार्टर जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी और उन्होंने बोला कि अगर पर्शियन गल्फ में, ठीक है, अगर पर्शियन गल्फ में यूएसएसआर कोई हस्तक्षेप करता है तो हम फोर्स यूज करेंगे, भले ही हमें न्यूक्लियर फोर्स क्यों ना यूज करनी पड़े, लेकिन हम करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए। अगली डॉक्ट्रिन है रीगन डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोनाल्ड रीगन 1981 से लेके 89 तक यूएसए के प्रेसिडेंट रहे, और आपको पता है 1979 में यूएसएसआर ने आक्रमण कर दिया था अफगानिस्तान पर, तो पूरी तरीके से बौखलाए हुए थे। पहले जिमी कार्टर थे, जिमी कार्टर के तुरंत बाद रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट बने, और रोनाल्ड रीगन ने डॉक्ट्रिन दी कि यूएसए एंटी यूएसएसआर को सपोर्ट करेगा, जो यूएसएसआर के खिलाफ काम करेगा, भले ही मिलिट्री या फिर वैचारिक रूप से जो यूएसएसआर को नीचा दिखाएगा, यूएसए उसके साथ है, ये डॉक्ट्रिन दी थी। और यही कारण है जिसने आज दुनिया का बेड़ा गर्क किया है, आतंकवाद की समस्या यहीं से शुरू होती है मेनली। ठीक है, और उसके कारण क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या है, तालिबान ने जन्म ले लिया, जो
जो तालिबानी थे, और तालिबानी क्या है, अफगानिस्तान में यूएसएसआर का सपोर्ट उनके साथ था, ठीक है। यूएसए तालिबानियों का सपोर्ट कर रहा था कि वो यूएसएसआर को वहां से बाहर निकाले, ठीक है। और मुजाहिदीन भी उसी टाइम पनपा, और अमेरिका ने उसका खूब सपोर्ट किया, और आज देखो कितने बुरे हाल किए हैं अफगानिस्तान में, आए दिन बमबारी होती है, यही तालिबान आज तक वहां पे अपनी जड़ें जमा चुका है। अगला कॉन्सेप्ट है वॉर ऑन टेरर। ये वॉर ऑन टेरर G.W. Bush ने दिया था। अब ये G.W. Bush सीनियर बुश के पुत्र है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। G.W. Bush 2001 से 2009 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपको पता है 9/11 का हमला, 9/11 का हमला कोई नहीं भूल सकता है, जो 9 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से चेंज हो गई, और G.W. जो बुश थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया वॉर ऑन टेररिज्म, और बाद में यही कॉन्सेप्ट बना वॉर ऑन टेरर। इसमें इन्होंने क्या बोला कि यूएसए टेररिज्म को जड़ से उखाड़ देगा, जहां कहीं भी टेररिज्म या टेरर इन्हें दिखा ये उसके ऊपर आक्रमण करेगा। यही कारण है कि यूएसए कभी इराक में बमबारी कर रहा है, कभी ईरान में बमबारी कर रहा है, कभी तालिबानियों के ऊपर, कभी कहीं, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन 2001 से आई है, जिसे बोला जाता है वॉर ऑन टेरर। अगली इसमें डॉक्ट्रिन है जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन। सबसे पहले आप समझो जस्ट वॉर क्या होता है। जस्ट का मतलब है जस्टिस से, ठीक है, न्यायोचित युद्ध, जिसमें न्याय हो और युद्ध भी हो। और ये जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन वैसे सेंट ऑगस्टाइन ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। जो क्रिश्चियन जो माइथोलॉजी है इसमें इन्होंने इसको प्रयोग किया था, और इन्होंने इसे एक्सप्लेन भी किया था कि जस्ट वॉर क्या है। जस्ट वॉर वो है जो तब किया जाए जब युद्ध के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ना बचा हो। जस्ट वॉर तब किया जाए जब आपका सेल्फ इंटरेस्ट खतरे में हो। जस्ट वॉर तब किया जाए जब ह्यूमैनिटी खतरे में हो। अपने लालच के लिए कभी भी वॉर नहीं किया जाना चाहिए, यही है जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन। और मॉडर्न टाइम में जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन दी है माइकल वॉलजार ने। आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, आप नाम नहीं भूलना। जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन दी है माइकल वॉलजार ने। वैसे डॉक्ट्रिन और भी बहुत सारी है, लेकिन इसमें मैं मेन मेन डॉक्ट्रिन कवर करने वाला हूँ। लास्ट जो मैंने डॉक्ट्रिन ली है वो है गुजराल डॉक्ट्रिन। ये इंडिया से रिलेटेड है, और 1996 में आईके गुजराल ने ये डॉक्ट्रिन दी थी। इस डॉक्ट्रिन के अंदर इन्होंने क्या बोला कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों को, जो कि छोटे पड़ोसी देश है, जो मैक्सिमम इंडिया के ऊपर निर्भर करते हैं मैक्सिमम गुड्स के लिए, चीज़ों के लिए, उनको एक तरफा छोड़ देगा इंडिया, ठीक है। इंडिया अगर यहाँ इंपोर्ट उनसे कोई चीजें कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स कम से कम लगाएगा, और अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो उनका टैक्स टैरिफ होगा वो लगा सकते हैं, लेकिन हम टैक्स में छूट देंगे, मतलब एक तरफा छूट। लेकिन गुजराल डॉक्ट्रिन में आपको याद रखने की जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया ने ये पाकिस्तान के साथ साइन नहीं की है, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर ये लागू नहीं होता है, और चाइना के ऊपर ये सिद्धांत या डॉक्ट्रिन लागू नहीं होता है। बाकी आपके श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उन लोगों के लिए एक तरफा छूट की बात की गई है, ठीक है। दोस्तों इन डॉक्ट्रिन्स को आपने हल्के में नहीं लेना है। पिछली बार मैंने जस्ट इनकी थोड़ी सी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी और अपनी दीवार पे चिपका दी थी, और उसमें से दो क्वेश्चन आए थे, सिर्फ एक पेज के ऊपर लिखा था और दो क्वेश्चन आ गए थे। और ये हर साल इससे क्वेश्चन आता है, हर साल आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, घुमा फिरा के जैसे मर्जी, लेकिन क्वेश्चन आता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।